बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 48, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 249, क्वेश्चन नंबर 28। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कि हमारे पास डाटा गिवन है, समेशन पी नॉट क्यू नॉट इज इक्वल टू 3600, समेशन पी वन क्यू नॉट इज इक्वल टू 4300, समेशन पी नॉट क्यू वन इज इक्वल टू 4100, समेशन पी वन क्यू वन इज इक्वल टू 4890। शो दैट फिशल आइडियल इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पेयर एंड पाशियस प्राइस इंडेक्स नंबर। हमने बेटा शो करवाना है कि जो फिशर का आंसर है वो किसके इक्वल हो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस पेयर और पाशियस के बराबर हो। तो इसका मतलब है बेटा हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक फिशर इंडेक्स मालूम करना है, एक ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है लेस पेयर इंडेक्स का और पाशियस इंडेक्स का। तो बेटा फिशर इंडेक्स पी नॉट एन क्या फार्मूला होता है, समीशन पी एन क्यू नॉट डिवाइड बाई समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई समीशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समीशन पी नॉट क्यू एन का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 100। ये मेरे पास बेटा फिशर का फार्मूला होता है पी नॉट एन में। लेकिन जो हमारे पास डाटा ऊपर गिवन है वो वन और वन की फॉर्म में गिवन है, तो बेटा इसको वन की फॉर्म में फिशर को कन्वर्ट कर लेंगे। जहाँ पे एन यूज़ हो रहा है फार्मूले में वहाँ पे वन पुट करवा देंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, एन की जगह पे वन आ जाएगा, समीशन पी वन क्यू नॉट डिवाइड बाई समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई समीशन पी वन क्यू वन डिवाइड बाई समीशन पी नॉट क्यू वन, समीशन पी नॉट क्यू वन स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, समीशन पी वन क्यू नॉट। बेटा ये क्वेश्चन में गिवन है समीशन पी वन क्यू नॉट किसके इक्वल है 4300, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे, डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू नॉट। समीशन पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू भी गिवन है 3600, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 3600 मल्टीप्लाई का साइन हैज इट समीशन पी वन क्यू वन। तो बेटा समीशन पी वन क्यू वन की वैल्यू भी गिवन है 4890, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवाएंगे 4890 डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू वन। समीशन पी नॉट क्यू वन की वैल्यू भी गिवन है 4100, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 100। 4300 को डिवाइड करेंगे बेटा 3600 पे तो 1.1944 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4890 को डिवाइड करेंगे 4100 पे तो हमारे पास 1.1926 हमारे पास वैल्यूज निकलेगी, स्क्वायर रूट का साइन एज इट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब बेटा 1.1944 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1926 के साथ, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ, तो हमारे पास फिशल इंडेक्स निकल आएगा जो कि इसके इक्वल निकला है 119.35 के इक्वल निकला है। ये तो बेटा फिशल तो हमने मालूम कर लिया। अब हमने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है लेस पेयर इंडेक्स और पाशियस इंडेक्स का। तो अब बेटा सबसे पहले लेस पेयर इंडेक्स मालूम करेंगे। लेस पेयर इंडेक्स का पी नॉट एन में फार्मूला क्या होता है, समीशन पी एन क्यू नॉट डिवाइड बाय समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। डाटा हमारे पास वन की फॉर्म में है तो बेटा जहां पे एन यूज़ हो रहा है वहां पे वन पुट करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा समीशन पी वन क्यू नॉट डिवाइड बाय समीशन पी नॉट क्यू नॉट। बेटा यहां पे एन की जगह पे सिर्फ क्या करना है, वन पुट करवाना है। अब लेस पेयर को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, समीशन पी वन क्यू नॉट चाहिए। तो बेटा समीशन पी वन क्यू नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4300, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 4300 डिवाइडेड बाय समीशन पी नॉट क्यू नॉट चाहिए, तो समीशन पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू भी गिवन है 3600, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट आ जाएगा। 4300 को डिवाइड करेंगे 3600 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1944 मल्टीप्लाइड बाय 100 एज इट। अब 1.1944 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ, तो हमारे पास लेस पेयर इंडेक्स निकल आएगा जो कि इसके इक्वल है 119.44 के इक्वल है। अब बेटा सेकंड हमें क्या चाहिए, पाशियस इंडेक्स। तो पाशियस इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, पी नॉट एन इज इक्वल टू समीशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समीशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये तो एन की फॉर्म में है लेकिन हमारे पास डाटा वन की फॉर्म है, तो बेटा जहाँ पे एन यूज़ हो रहा है वहाँ पे वन पुट करवा देंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा,
समिशन पी वन क्यू वन डिवाइड बाई समिशन पी नॉट क्यू वन मल्टीप्लाइड बाई 100। सिर्फ क्या करना है, जस्ट एन की जगह पे वन पुट करवाना है। अब क्या चाहिए, समिशन पी वन क्यू वन चाहिए। तो समिशन पी वन क्यू वन हमारे पास बेटा गिवन है 4890 के इक्वल, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 4890 डिवाइडेड बाई समिशन पी नॉट क्यू वन चाहिए। तो समिशन पी नॉट क्यू वन हमारे पास गिवन है 4100 की इक्वल, तो उसकी जगह बेटा उसकी वैल्यू आ जाएगी 4100 मल्टीप्लाइड बाई 100 एज इट आ जाएगा। अब 4890 को डिवाइड करना है 4100 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1926 मल्टीप्लाइड बाई 100 एज इट आ जाएगा। अब 1.1926 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 100 के साथ, तो हमारे पास पाशिस इंडेक्स का आंसर निकलेगा 119.26 निकलेगा। हमने मालूम क्या करना था, लेस्पियर इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई पाशिस इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना था, तो लेस्पियर इंडेक्स क्या निकला है बेटा 119.44 मल्टीप्लाइड बाई पाशिस इंडेक्स क्या निकला है 119.26, तो उसकी जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 119.44 मल्टीप्लाइड बाई 119.26 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा बेटा उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये किसके इक्वल आंसर आया है 119.35 के इक्वल आया है। फिशर इंडेक्स का भी आंसर हमारे पास इसी के इक्वल था 119.35, तो ये आंसर सेम आएगा। तो ये हमने शो करवा दिया कि फिशर इंडेक्स किसके इक्वल होता है, लेस्पियर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर और पाशिस इंडेक्स के इक्वल होता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, कंप्यूट फिशर इंडेक्स नंबर मालूम करना है। समिशन पी वन क्यू नॉट किसके इक्वल है 4140 के इक्वल है। समिशन पी नॉट क्यू नॉट 35310 के इक्वल है। समिशन पी टू क्यू नॉट 39644 के इक्वल है। समिशन पी वन क्यू वन 46707 के इक्वल है। समिशन पी नॉट क्यू वन 40048 के इक्वल है। समिशन पी टू क्यू टू 51724 के इक्वल है। समिशन पी नॉट क्यू टू 47376 के इक्वल है। बेटा फिशर इंडेक्स मालूम करना है। अब बेटा फिशर इंडेक्स पी नॉट एम, ये अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं फार्मूला किसके इक्वल होता है, समिशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई समिशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई समिशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समिशन पी नॉट क्यू एन का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बेटा ये तो फार्मूला एन की फॉर्म में था, लेकिन डाटे में हमारे पास टू की फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जस्ट एन की जगह पे पहले वन पुट करवा देंगे, तो पी नॉट वन हो जाएगा, जहाँ पे फार्मूले में एन यूज़ हो रहा है वहाँ पे वन आ जाएगा। समिशन पी वन क्यू नॉट डिवाइड बाई समिशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई समिशन पी वन क्यू वन डिवाइड बाई समिशन पी नॉट क्यू वन का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बेटा समिशन पी वन क्यू नॉट इसकी वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है, समिशन पी वन क्यू नॉट की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 41140 डिवाइडेड बाई समिशन पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू भी गिवन है 35310, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाई समिशन पी वन क्यू वन, उसकी वैल्यू बेटा गिवन है 46707 के इक्वल है, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे 46707 डिवाइडेड बाई समिशन पी नॉट क्यू वन, तो उसकी वैल्यू भी गिवन है 40048 के इक्वल है स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो क्या करना है बेटा, 41140 को डिवाइड करना है 35310 पे मल्टीप्लाइड बाई 46707 को डिवाइड करना है 40048 पे, इन दोनों के जो आंसर आएंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद उनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। इनका जो आंसर आएगा उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास फिशर इंडेक्स पी नॉट वन निकल आएगा 116.56। अब बेटा हमने पी नॉट टू मालूम करना है, तो जहाँ पे एन यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप टू पुट करवा देंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा, समिशन पी टू क्यू नॉट डिवाइड बाई समिशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई समिशन पी टू क्यू टू डिवाइड बाई समिशन पी नॉट क्यू टू का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हमें क्या चाहिए, समिशन पी टू क्यू नॉट चाहिए, तो बेटा समिशन पी टू क्यू नॉट किसके इक्वल है 39644 के इक्वल है डिवाइड बाई समिशन पी नॉट क्यू नॉट, इसकी वैल्यू बेटा 35310 के इक्वल है डिवाइड में इसकी वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई का साइन एज इट। समिशन पी टू क्यू टू इसकी वैल्यू इक्वल है बेटा 51724 के इक्वल है डिवाइड बाई समिशन पी टू पी नॉट क्यू टू, तो समिशन पी नॉट क्यू टू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 47376 के इक्वल है स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 100।
39644 को डिवाइड करना है बेटा 35310 पे, फिर 51724 को डिवाइड करना है 47376 पे। इन दोनों के जो आंसर आएंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद इनका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। स्क्वायर रूट का जो आंसर निकलेगा उसको बेटा 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास फिशर इंडेक्स P02 निकल आएगा जो किसके इक्वल है 110.71 के इक्वल है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।